वैसे तो दुनिया में कई ऐसी अजीबोगरीब चीजें हैं, लेकिन जो चीज हम आपको बता रहे हैं वो अलग है। झारखंड के रांची में एक कुआं है। कहा जाता है इस कुएं से सोना निकलता है, लेकिन फिर भी सोना कोई अपने पास रख नहीं पाता। कुएं के पास एक शिव मंदिर है, वहां रहते हैं पुजारी देवेंद्र। उन्होंने लोकल 18 को बताया कि ये कुआं काफी पुराना है। कुआं झारखंड की सबसे लंबी नदी स्वर्ण रेखा से जुड़ा है। नदी में कभी सोना निकलता था, इसलिए नदी का नाम स्वर्ण रेखा पड़ा। इसी वजह से कुएं में भी सोना मिल जाता है। देखिए, सोना जो निकलती है उसकी मान्यता यही है कि जिस प्रकार से हर नदी में एक कण जो होता है सोना, अधिकतर आप देखिएगा कि जो नदी होती है, गंगा नदी होती है या गोदावरी है, तो जहां पर भी उत्पत्ति होती है, जिस जगह से उस नदी का प्रवाह बनता है, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ कण मिलता ही है। और ये भी चीज़ है, ये भी मान्यता है कि जैसे पहले जो लोग आते थे वो लोग सोना चांदी जिसने जो भी आभूषण रहता था कुछ होता करके यहाँ अपना विसर्जन करते थे, प्रवाहित करते थे, तो उसके द्वारा भी मिलता था। लेकिन उस सोना को या उस यहाँ से निकला हुआ किसी भी प्रकार के आभूषण को कोई भी व्यक्ति उसको अपनाता नहीं है। वह यही समझता है कि अपना ले तो हो सकता है कुछ हादसा हो जाए उसके साथ में, मतलब अनिष्ट कारक होता है। इसलिए यहाँ पर से जो निकला हुआ जो रहता है या सोना या कुछ भी, तो उसको जल्दी कोई अपनाता नहीं है। जो जानकारी का अभाव में कोई नहीं निकलता है। जानकारी का अभाव हो तो निकाल लेगा, लेकिन जिसको जानकारी है वो नहीं निकालेगा। हादसा होने का, कुछ अनिष्ट कारक होने का या उसके साथ में कुछ घटना घट सकता है ऐसा अनिष्ट, जो इससे उसके परिवार को बाद में कुछ समस्या हो। अब सवाल यह है कि कोई सोना ले क्यों नहीं जा सकता। पुजारी देवेंद्र बताते हैं, दरअसल ये कुआं काफी धार्मिक है, लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं। मान्यता है कि कुआं में साक्षात देवी का आशीर्वाद है। पूरे रांची के नगरी प्रखंड में किसी भी धार्मिक कार्य के लिए इस कुएं का पानी इस्तेमाल होता है। इसीलिए कोई भी सोने के कण को अगर अपने पास रखना चाहे तो उसके साथ कोई हादसा हो जाता है। उन्होंने आगे बताया, ऐसा कई बार हुआ है कि कुएं से पानी निकालते समय कुछ सोने के कण हाथ में आ जाते हैं, लेकिन लोग उसे वापस कुएं में ही डाल देते हैं। पुजारी देवेंद्र कहते हैं कि इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता, चाहे भीषण गर्मी ही क्यों न पड़े। कुएं की गहराई आज तक कोई नाप नहीं पाया है, और सबसे खास बात, इतना गहरा होने के बावजूद भी आज तक इस कुएं में कोई डूब कर नहीं मरा। इसीलिए लोग इसे चमत्कारी कुआं भी कहते हैं। रांची से शिखा श्रेया की रिपोर्ट।